हरियाणा के सोनीपत में एक बार फिर से महापंचायत हुई है पहलवानों की, जिसमें तमाम वो संगठन, तमाम वो खाप पंचायतें जिन्होंने जंतर मंतर पर पहलवानों के इस प्रदर्शन को समर्थन दिया था, तो सभी के सामने इस दौरान बजरंग पुनिया सामने आए और इस दौरान उन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा। और सीधे तौर पर बजरंग पुनिया ने इस दौरान ये ऐलान कर दिया है कि ये जो लड़ाई है वो मेरी निजी लड़ाई नहीं है, ये मेरी जो बहनें हैं उनकी लड़ाई है, जो बेटियां हैं उनकी लड़ाई है। और ऐसे में क्योंकि सरकार से जो बातचीत हुई उसके बाद भरोसा दिया गया है, उन्होंने कहा है कि जो बातचीत हुई उसके बाद भी अगर 15 जून तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर से 15 जून के बाद एक बार फिर से धरने पर ये पहलवान बैठने को मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान इस महापंचायत में बजरंग पुनिया मौजूद रहे, साक्षी मलिक मौजूद रही, विनेश फोगाट मौजूद रहे, तो तमाम पहलवान जो हैं उस दौरान वहाँ पर भी मौजूद रहे। और सीधे तौर पर ऐलान ये कि सरकार अगर 15 जून तक कोई कड़ा एक्शन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं लेती है तो ऐसे में 15 जून के बाद वो एक बार फिर से धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। नेटवर्क 10 को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। जय हिंद।